स्टार्ट है ना। अरे स्थान का नाम क्या बोले भाई? एक्शन पक्का। रुको एक सेकंड यार। राहत इंदौरी की शब्दों में कहा जाए तो नए किरदार आते जा रहे हैं, नाटक पुराना चल रहा है। राजनीति के संदर्भ में ये शायरी काफी सार्थक नजर आती है। आज हम आ पहुंचे हैं जेएनयू न्यू कैंपस में। छात्रों से जानेंगे कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के चुनावी सीट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में क्या है उनकी राय, कौन जीत रहा है वहां से, चुनावी संग्राम में कौन वहां पर टक्कर देने वाला है, क्या कांग्रेस का यह एक मास्टर स्ट्रोक है या कांग्रेस ने इस बार मनोज तिवारी के लिए जीत आसान सी कर दी है। मनोज तिवारी क्या अपने और मोदी जी के चेहरे को बचा पाएंगे और अपनी जो बीजेपी ने उन्हें सिर्फ एकमात्र सांसद जिनको बीजेपी ने वापस सीट दी है वो मनोज तिवारी हैं, क्या वो अपनी पहचान को बरकरार रख पाएंगे, पार्टी में अपनी जगह को बरकरार रख पाएंगे, तो आइए जानते हैं। तो जेएनयू न्यू कैंपस में मौजूद हैं हम, यहाँ पे जानेंगे छात्रों से कि दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण इस बार चुनावी संग्राम में जहाँ पे कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, वहां पर क्या है जनता का मूड और पत्रकारिता के छात्र उस सीट को किस तरीके से देखते हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले बात करने के लिए शुभम है। तो शुभम, आप किस तरह से देखते हैं दिल्ली की उस सीट को? देखिए, इस बार जब मनोज तिवारी जब थे पहले तो हमेशा विरोध अभी तक उनका होता रहा है और इस बार कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा है उत्तर पूर्वी दिल्ली से, तो देखिए इस बार क्या होता है। देखो, इस बार माना जा रहा है कि मनोज तिवारी दो बार से वहां पे सांसद हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात चल रही है, तो उस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, बहुत सारी जनता वहां विरोध कर रही है, हम लोग को भी पता चला है जैसे, और कांग्रेस ने भी बड़ा दाव खेलते हुए कन्हैया कुमार को, जो बिहार के बहुत बड़े फेमस नेता है और देश भर में अपने जेएनयू की राजनीति से पहचान बनाई, और इस बार उनको उस सीट से उतारा है, तो इस बार मामला दिलचस्प लगने की उम्मीद है। मनोज तिवारी का बयान आया था कि कन्हैया कुमार जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं, तो उस पे देखिए इस पे तो अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ठीक, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आर्यन जुड़े हुए हैं। हमने बातचीत से पहले ही सभी से परिचय कर लिया था ताकि हमें बातचीत के दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना आए। तो आर्यन, मनोज तिवारी जो इस बार लड़ रहे हैं, तो आपको किस तरह से वो दिल्ली की जो नॉर्थ ईस्ट सीट है उस पर क्या दिखता है, समीकरण क्या बैठ रहे हैं? देखिए, लोकसभा दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, अगर 6 सीट को हटा दें तो मनोज तिवारी को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी के द्वारा। तो अगर बात धरातल पर काम करने की जाए तो कुछ दिन पहले, 1-2 साल पहले उनको बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष हटा दिया था दिल्ली के। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में वो काम कैसे करते हैं, क्योंकि अगर उनको फिर से टिकट दिया गया है तो कुछ ना कुछ उन्हें देख कर दिया गया होगा। अगर बिहार में बात की जाए कन्हैया कुमार की, तो बिहार में से उनको दिल्ली में इसलिए बुलाया गया है क्योंकि सीपीआई की तरफ से वो पिछली बार लड़े थे और गिरिराज सिंह ने उन्हें काफी मतों से हराया था, लगभग 4 लाख, 4 लाख से ज्यादा ही था, वो ऑफिशियल 4 लाख से ज्यादा था। लेकिन अगर बात की जाए मतों की, तो अगर वो नोटा में वोट नहीं जाता तो फिर वो 5 लाख आंकड़ा पार कर जाता। तो सीपीआई से कांग्रेस की तरफ आना और कांग्रेस में एक अच्छे जगह से चुनाव लड़ना, वो भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, ये दो बिहारी के बीच कहीं ना कहीं एक जंग देखने को मिलेगी। लेकिन जब चुनाव 25 तारीख को मतदान डाले जाएंगे तो कहीं ना कहीं यह अभी जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मनोज तिवारी कहीं ना कहीं आगे जा रहे हैं, और दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीट है उसमें एक मल्होत्रा जी को छोड़ते चांदनी चौक से, तो बाकी सीट से बीजेपी कहीं ना कहीं जीतने जा रही है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए कपिल जुड़े हैं। कपिल, कन्हैया कुमार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उतारना कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, ये आप कैसे देखते हैं इस चीज को? आप इस चीज को इस तरीके से देखना चाहिए, यहाँ तक कि मैं खुद भी रिपोर्टिंग करने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गया हूँ, तो मैंने देखा है कि लोग चाह रहे हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार दोबारा से लौटे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस मामले में मनोज तिवारी का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है। तो मनोज तिवारी का पलड़ा आपके अनुसार ज्यादा भारी लग रहा है? मनोज तिवारी जो है वो भाजपा के 7 जो सीट पर सांसद उतारे गए उसमें से बस एक हैं जिनको तीसरी बार दिल्ली में से फिर से मौका मिला है, तो कैसे देखते हैं आप? ऐसा हो सकता है कि ऐसा देखा गया हो कि बिहार और बिहार वाला समीकरण बैठाने की कोशिश की गई हो, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोग भी वहाँ पे काफी हैं। नहीं, वो तो है, लेकिन मतलब उम्मीदवार के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ मैं, बिहार और बिहार का करने की कोशिश की गई हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यश है। यश, वहाँ के लोग जो है वो काफी दिनों से इस बात से परेशान है, वहाँ पे जो स्थानीय मुद्दे हैं वो जाम का लगना हो या वहाँ पे मेट्रो की सेवाएं, लोगों को वहां से 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर आकर जीटीबी नगर मेट्रो से अपने मेट्रो की सेवाओं को लेना पड़ता है, तो अब वहां पे लोग काफी नाराज है। 10 साल में मनोज तिवारी ने मेट्रो के लिए, अभी काम चल रहा है लेकिन मेट्रो अभी तक सुचारू रूप से चला नहीं है, तो किस तरह से देखते हैं इस बार
देखिए अगर देखो अगर लोगों के जो ग्राउंड से जुड़े मुद्दे अगर उन पर बात करनी है तो, और ये जो जो एमपी आते हैं, जो उम्मीदवार बनाए जाते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी से जुड़े नहीं होते, जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं, इनको ग्राउंड रियलिटी का ज्यादा पता नहीं होता है। और इनके जीतने का जो मेन मुद्दा होता है वो भी ये होता है कि इनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, इस वजह से इनको वोट ज्यादा मिल जाता है। चुनावी समीकरण में ये सही हिसाब से अपने हिसाब से बिठा लेते हैं और पार्टी को जिता देते हैं। पार्टी की भी यही उम्मीद है कि हम एक सीट जिता के देते हैं, लेकिन जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर इनको सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। आपने कहा, जैसा कि आपने कहा उस सीट के बारे में, तो ऐसी सीटों को पैरासूट सीट कहा जाता है, जहां पे पार्टियां जो हैं अलग अलग जगहों से अपने उम्मीदवारों को लाकर, स्टार उम्मीदवारों को लाकर खड़ा कर देती हैं ताकि वहां पे चुनावी जीत जो है वो आसान हो जाए उस पार्टी के लिए। तो अभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो मनोज तिवारी हैं वो बिहार से आ रहे हैं और दिल्ली बीजेपी के बहुत बड़े सांसद के रूप में वो ना जाना, और एक अभिनेता भी हैं कन्हैया कुमार, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन करके एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, तो कैसे देखती हैं, क्योंकि वहां पे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से तो दोनों में से कोई नहीं है। जैसा अभी तक बात हो रही थी, जो मनोज तिवारी है वो अभी तक वही है जो बीजेपी से अपनी उस सीट को, इस टिकट को बचा पाए हैं। और अगर साउथ दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अंतर देखा जाए तो दोनों ही ऐसा लगता अलग अलग दिल्लियां हैं। वहां की हालत हम सभी के सामने है ही, हम जानते हैं जाम पलायन की, वहाँ पे पलायन करके बहुत सारे लोग आए हैं, बिहार से, यूपी से, हरियाणा के बहुत सारे लोग, बैचलर्स वहाँ पे बहुत सारे रह रहे हैं, तो उसकी हालत मुझे ऐसा लगता है कि रहने लायक भी नहीं है। तो शायद बीजेपी को इस बार वहां से किसी और को टिकट देना चाहिए था डेवलपमेंट के लिए, स्थानीय लोगों में से किसी को चुनना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि स्थानीय लोगों को लेकर हमेशा से मांग उठती आ रही है कि स्थानीय लोगों को पार्टी जो है वो कैंडिडेट के रूप में उतारे ताकि स्थानीय लोग स्थानीय मुद्दों पर करें। वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का पार्ट है, अभिनव हमारे साथ अभिनव हैं, वहाँ पे मुखर्जी नगर का एक इलाका है जहाँ पे कि बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान के जो हिंदी प्रदेश के छात्र हैं वो तैयारी करने के लिए आते हैं। वहाँ पे देखा जाता है कि कई सारे तरह की समस्या है, हाल ही में मुखर्जी नगर में कई सारे जगहों पर आग लग चुकी है, तो कहीं ना कहीं एक सांसद के रूप में वहाँ पे सुरक्षा चौबंद या कोचिंगों में जैसे बिल्डिंग्स बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं उस पर कोई बात नहीं है, क्योंकि नुकसान भले ही पलायन करके आए हुए लोगों का हो, नुकसान तो हो रहा है। देखिए, हमें दो बात पहले यहाँ समझनी पड़ेगी। पहली चीज तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई कैंडिडेट उतारती है तो बहुत ज़्यादा वो सर्वे पे निर्भर करती है कि वहाँ की लोकल जनता क्या कहने, तो उनके कई लेयर्स पे सर्वे होते हैं, उसके बाद ही इस निष्कर्ष पे पहुँचती है कि हमें कौन सा कैंडिडेट उतारना होगा। यहाँ देखने लायक बात ये है कि अब जब 7 में से 6 उम्मीदवारों को उन्होंने बदल दिया और एक के साथ फिर भी वो जा रही है, और वो एक उम्मीदवार मनोज तिवारी है, तो ग्राउंड पे जो सर्वे है वो उनके फेवर में है, पहली चीज़ तो ये है, इसलिए उनको फिर से रखा गया है। दूसरी बात यह है कि जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का है वो बिहार और पूर्वांचल वाले लोग, वहाँ के प्रदेश वाले लोग वहाँ पे मेजोरिटी में है, और यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ऐसे उम्मीदवारों को उतारा है जो कि बिहार और पूर्वांचल जिलों पे के क्षेत्रों में जिनका जो है काफ़ी प्रभुत्व है, तो एक कांटे की टक्कर की तो आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि बीजेपी का यहाँ पर हमेशा से अपर हैंड होगा। उसका रीज़न ये है कि लोग जब विधानसभा में वोटिंग करते हैं और जब लोकसभा में वोटिंग करते हैं तो उनकी मानसिकता में काफ़ी अंतर होता है। जो स्थानीय मुद्दे होते हैं अक्सर वो विधानसभा चुनाव में ज़्यादा अच्छे तरह से सामने आ पाते हैं, उनके कंसर्न का विषय होता है, लेकिन जब आप लोकसभा में वोटिंग करने जाते हैं तो बीजेपी का जो 3 मेन बेंचमार्क है जिस पर बीजेपी अक्सर खेलती है, पहला नेशनलिज्म का मुद्दा है, दूसरा उनका अपना एक हिंदू वोट बैंक और हिंदू का पूरा हिंदुइज्म का जो उनके साथ है, और तीसरा उनके जो वेलफेयर स्कीम्स का मुद्दा है, इस तीनों प्लैंक्स पे बीजेपी खेलती है। तो कई बार जो चेहरा है वो मायने नहीं रखता है, चेहरा हमेशा मोदी जी का होता है। तो नेशनलिज्म के मुद्दे पे अगर आप देखेंगे बड़े ध्यान से तो वहाँ पे कन्हैया कुमार को आसानी से घेरा जा सकता है, क्योंकि आपने टुकड़े टुकड़े गैंग के वाले विवाद का जिक्र किया, वो अलग बात है कि उसके बारे में कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, फिर भी परसेप्शन बनाया एक परसेप्शन है, और वो परसेप्शन कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार के अगेंस्ट में जा सकता है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी ये एक काफी अच्छा फैसला है कि उन्होंने कन्हैया को एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा जो एक अच्छा टक्कर दे सकता है। क्या कन्हैया के लिए ये आसान सीट है? नहीं, आसान बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कन्हैया के फेवर में चीजें तभी काम कर सकती है जब एक खासा संख्या में एक जो युवा वर्ग है वो आके वोट करे। अगर पूरी तरह से युवाओं का वोटिंग में परसेंटेज नहीं हाई रहा तो चीजें मनोज तिवारी के ही पक्ष में होगी, ऐसा मुझे लगता है। शुक्रिया अभिनव हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जागृति है, जागृति, कन्हैया कुमार जो है वो एक तो युवा है, भारतीय राजनीति में युवाओं की संख्या अक्सर कम देखी जाती है, हालिया वर्षों में युवाओं की संख्या जो है वो थोड़ी बहुत बढ़ी भी है। वहाँ पे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, वो काफी बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं,
आप कैसे देखती हैं उन सबको? सबसे पहली बात तो प्रत्याशियों की हमने अभी बात की, हमने सबको सुना, लेकिन कई बार ऐसा भी है कि हम ग्राउंड पे भी हमने लोगों से बातचीत मैंने भी किया है, तो लोग जो हैं वो आज के दौर में चीजें बदली हैं। हम देखते हैं कि लोग प्रत्याशी को वोट ना देकर जो पार्टी है उसको लोग वोट देने के लिए जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये सीट भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के तरफ ही जा रही है। भले ही मनोज तिवारी बड़ा चेहरा है, कन्हैया कुमार को उतारा गया, उनके खिलाफ कांग्रेस की अच्छी रणनीति भी है, लेकिन यहाँ पे भी बात लोग आजकल पार्टी के नाम पर ही वोट दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं उस पर, स्थानीय मुद्दों पर वोटिंग नहीं की जा रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर वोटिंग होती तो हम जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का हाल है उसको देखें तो मुझे नहीं लगता कि मनोज तिवारी को लोग दोबारा चुनेंगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली में आसमान जमीन का अंतर देखने को मिलता है, आप देखती हैं इसे? हाँ, तो इसके बारे में पल्लवी भी जैसा बता रही थी कि एक अलग दुनिया लगती है, ऐसा लगता है कि एक पूरा विभाजन है, जैसे कि पूरे देश में भी बात हो रही है कि असमानता बढ़ रही है, तो दिल्ली में भी इसका पूरा एक मॉडल नजर आ रहा है कि कैसे दो हिस्सों में बट गया विकास के मामले में पूरी दिल्ली। शुक्रिया जागृति। तो हम अभी मौजूद थे जेएनयू न्यू कैंपस में, हमने छात्रों से जाना कि किस प्रकार दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट पर कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी खड़ी थी के बीच महासंग्राम छिड़ा हुआ है। छात्रों से हमने ये जाना कि कन्हैया कुमार एक युवा नेता के रूप में किस प्रकार से दिख रहे हैं और इस बार चुनावी संग्राम में कन्हैया कुमार क्या मनोज तिवारी को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। पैरासूट कैंडिडेट के बारे में हमने छात्रों से जाना, हमने छात्रों से यह भी जाना कि क्या छात्र जो है वो कन्हैया कुमार को एक युवा नेता के रूप में स्वीकार करेंगे। तो कैमरा के पीछे थे प्रद्युम्न, मैं रोहित, देखते रहिए रैपअप।